पानीपत जिला अस्पताल से पीजीआई भेजे गए कोरोना वायरस के सस्पेक्टेड केस की रिपोर्ट नेगेटिव आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। इसी बीच दो और सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। इस मामले में ये भी दिलचस्प है कि संभावित विभाग के कमियों और लापरवाहियों को दूर करने की बजाय जिला प्रशासन ने मीडिया को ही निशाने पर ले लिया है। प्रशासन के इस रवैये की आलोचना भी हुई है। देखिए रिपोर्ट। पानीपत जिला हालांकि कोरोना वायरस को लेकर बाकियों की तरह भयभीत तो है, पर सामूहिक प्रयासों से अभी तक महफूज है। इसी बीच हरकत में आए जिला प्रशासन ने मीडिया को जानकारी दी कि अब एसडीएम ऑफिस, तहसीलों और अफसरों के दफ्तरों को भी सैनिटाइज किया जाएगा, यानी सतर्कता का दायरा बढ़ाया जाएगा। सभी जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उन सबको सैनिटाइज किया जाएगा, जो हमारा स्प्रे या ब्लीच पाउडर वाला उससे सबको सैनिटाइज करेंगे। इधर पानीपत जिला अस्पताल से तीन दिन पहले पीजीआई खानपुर भेजे गए सस्पेक्टेड केस की नेगेटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली। दो और सैंपल भी रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीसी मैडम ने स्वास्थ्य विभाग की कमी और कथित लापरवाही को मानने के बजाय जिस तरीके से मीडिया को निशाना बनाया उसकी भर्त्सना की गई। मीडिया से सहयोग मांगने के बजाय रेस्ट्रिक्शंस और कोऑपरेट करना होगा जैसी लैंग्वेज का प्रयोग कर सिर्फ दूसरों को नसीहत देने की कोशिश की गई। सैनिटाइजर और मास्क जरूरी है, मगर उन लोगों के लिए जो लोग सिम्टोमेटिक हैं, जिनमें सिम्टम्स हैं, अगर आप और हम सिम्टम्स से परे हैं, हमें कोई कोरोना के या अदर वायरस के सिम्टम नहीं है, तो अगर हम मास्क नहीं भी पहनेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अभी तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई और असल मुद्दा सामने है, इसलिए दूसरों को दोष देने के बजाय अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने में ही समझदारी है। यही जनहित में और जनहित के लिए है। टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।